नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। यवतमाल में सर्वाधिक 37 की मौत, 810 पॉजिटिव। विधायक ने उपलब्ध कराए ऑक्सीजन सिलेंडर, तेंदुए की दहशत से परेशान। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। यवतमाल में सर्वाधिक 37 की मौत, 810 पॉजिटिव। जिले में गत 24 घंटे में सर्वाधिक 37 लोगों की कोरोना से मौत हो गई, वहीं 810 नए पॉजिटिव कोरोना बाधित पाए गए। 892 मरीजों के कोरोना मुक्त होने से उनकी अस्पतालों से छुट्टी कर दी गई है। मृत 37 लोगों में 35 की सरकारी अस्पताल में तो 2 की मौत निजी अस्पतालों में हुई है। यवतमाल तहसील में 58-55 वर्षीय पुरुष तथा 55 वर्षीय महिला, पुसत तहसील के 37 वर्षीय पुरुष, 55 वर्षीय महिला, वनी तहसील के 57 वर्षीय पुरुष, पांडरकवड़ा के 40 वर्षीय पुरुष व 59 वर्षीय महिला, पांडरकवड़ा तहसील के 65 वर्षीय पुरुष, उमरखेड तहसील की 50 वर्षीय महिला, आरनी तहसील की 57 वर्षीय महिला, केलापुर की 55 वर्षीय पुरुष, कलम की 49 वर्षीय महिला, घाटंजी तहसील की 75 वर्षीय महिला का समावेश है। वहीं निजी अस्पताल में मृत यवतमाल की 51 वर्षीय महिला तथा उमरखेड की 60 वर्षीय महिला का समावेश है। तो वहीं दूसरे ओर विधायक ने उपलब्ध कराए ऑक्सीजन सिलेंडर। शहर के निजी अस्पताल में शुरू किए गए कोविड अस्पताल के लिए विधायक ने ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराए, साथ ही शहर के अन्य दानदाताओं ने भी आर्थिक सहयोग किया। डॉक्टर मरोटी के अरिहंत क्रिटिकल केयर सेंटर में कोरोना के मरीजों का इलाज हो रहा है। इसी अस्पताल में कोविड सेंटर शुरू करने के लिए निजी तौर पर कुछ व्यक्तियों ने मदद की। स्थानीय डॉक्टरों ने शहर में कोविड अस्पताल शुरू करने की अनुमति जिलाधिकारी से मांगी थी। इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करके जिलाधिकारी को भेजा गया था, जिसके बाद डॉक्टर मरोटी के अरिहंत क्रिटिकल सेंटर में 10 बेड के कोविड अस्पताल को मंजूरी प्रदान की गई। ऑक्सीजन की कमी के कारण अस्पताल शुरू करने में दिक्कतें आ रही थी। विधायक ने उद्योजनों से संपर्क करके अस्पताल के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराए। तो वही तीसरे और तेंदुए की दहशत से परेशान। नवेगांव बांध वन विभाग अंतर्गत आने वाले परिसर में पिछले कुछ दिनों से तेंदुए की दहशत देखी जा रही है। चात्रा, बागटी, वरेंटी देवी, वीरगांव, बरडिया, सिलेजरी, सोमरपुर, सिरेगांव बांध में रोजाना ही तेंदुए के दर्शन हो रहे हैं। बकरियां, मुर्गी, गाय के बछड़े इसका शिकार हो रहे हैं। इस वजह से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बागटी निवासी मोकड़ फुंडे 16 अप्रैल को रात 11 बजे शौच के लिए बाहर गए थे। उन्हें तेंदुआ नजर आने से वे घर लौट आए। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।